Nitin Sangwan, an IRS officer, got the 28th rank in the Civil Services Exam 2015. He's a multi-talented personality and a man of few words. He has a good experience of the ground realities and believes in working at the grassroots level to make changes long-term. He comes from a middle-class family of Haryana and is very close to his family. His message to the candidates is to keep trying till the end and to not give up. In conversation with JagranJosh.com, he gave us pointers on clearing the IAS examination. How did you prepare the compulsory language paper? कंपल्सरी लैंग्वेज पेपर चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, वो चूंकि मैंने अपने 12th तक पढ़े हैं दोनों, 12th में मेरे पास संस्कृत था और इंग्लिश कंपल्सरी था, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं। हालांकि मैंने परीक्षा के हिसाब से जो चीज़ें पूछी जानी है, अकॉर्डिंग टू दैट आई रिफ्रेश अ फ्यू थिंग्स एंड स्पेंट अराउंड 10-15 डेज इन दैट। व्हाट वाज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट इन द आईएएस मेंस एग्जाम? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट आईएएस की मेंस एग्जामिनेशन में सोशियोलॉजी था। इसके लिए मैंने कहीं पे एक बार कोचिंग भी लिया था, लेकिन मेरी खुद की जो तैयारी थी, जो मैंने खुद से एक्सप्लोर किया इस सब्जेक्ट को, जो मेरा खुद का इंटरेस्ट था, मेरे को लगता है वो काफ़ी हेल्प किया मैंने। आई प्रिपेयर्ड माई ओन नोट्स, आई रेड डाइवर्स सोर्सेज, लाइक आई रेड इग्नू नोट्स, आई रेड वेरियस अदर फॉरन ऑथर बुक्स एंड so these things helps. I prepared my own notes, they become very concise. So मेरे notes around 400 पेज के थे जो कि मैंने खुद बनाए थे और खुद टाइप किए थे, तो उससे एक थोड़ा सा व्यवस्थित हो गया सारा काम। जगह जगह पर, मतलब different places पे देखने की जरूरत नहीं पड़ी exam के time पे, तो that thing helped a lot. Do you think that the educational background of candidates has a direct relation in choosing the subject in the IAS mains exam? I don't think so. In fact, most of the people who qualify this examination are from technical backgrounds, maybe engineers, doctors or other technical backgrounds, but they don't opt for their core subjects, say mechanical engineering or medicine. I think iska ek reason ye hai ki jo technical subjects hain wo kafi lengthy ho jate hain, kyunki ek to unki degree baakiyon se zyada ki hoti hai, 4 saal 5 saal ki hoti hai, to obviously usme zyada padhaya jata hai unko. और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि हम अपने आसपास की लाइफ में देखते हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं, रोज पढ़ते हैं भी अखबारों में, और कहीं ना कहीं 10वीं 12वीं तक हमने वो पढ़े भी होते हैं, हर एक सब्जेक्ट, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इसलिए उनके साथ हमारा कंफर्टेबल लेवल थोड़ा ज्यादा होता है। तो मेरे को ये लगता है कि इसलिए लोग बग अपना ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट ना लेके कुछ ये सो कॉल्ड आसान सब्जेक्ट लेते हैं जिसके साथ वो फैमिलियर ज्यादा होते हैं। मे बी वो आसान नहीं होते, स्कोरिंग नहीं होते, लेकिन फैमिलियरिटी एक इश्यू है और उसका जो क्या मैं कहूंगा उसको, उसके जो कवरेज है, मे बी उसका जो वॉल्यूम है वो कम होता है, तो इसलिए जो इजीली हैंडल हो सकते हैं सब्जेक्ट वो लेते हैं। What strategy should one adopt for IAS main general studies paper 1? General studies paper 1 है मेरे हिसाब से वो सबसे हैवीएस्ट पेपर है, बिकॉज उसमें आपको इंडियन कल्चर में, आपको इंडिया के एंशियंट हिस्ट्री से लेकर मिडाइवल हिस्ट्री सब कुछ पढ़ना होता है, एंड सिमिलरली इट ऑल्सो इंक्लूड्स मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑल्सो, इट इंक्लूड ज्योग्राफी ऑल्सो, सो इट इज़ द हैवीएस्ट पेपर। सो इसके लिए मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया था, और खासतौर पर वो एरिया जो कि जनरली डिफिकल्ट माने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडियन कल्चर, तो इंडियन कल्चर के मैंने अपने खुद से बहुत ही एक इलेबोरेट, काफ़ी एक्सटेंसिव नोट्स बनाए थे, तो इन चीज़ों ने मेरे को काफ़ी हेल्प की और अल्टीमेटली जीएस में मेरे मार्क्स सबसे ज़्यादा आए हैं। इंडियन कल्चर के लिए मैंने अपना बेस बनाया NIOS की और NCERT की बुक से, उसके अलावा जो सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने इंटरनेट पे काफ़ी सर्च किया, क्योंकि आज के दिन विकिपीडिया वगैरह पे सब कुछ अवेलेबल है, आप कुछ भी देखो, तो जब आप उन चीज़ों को नेट पे सर्च करते हो, उन चीज़ों की इमेज देखते हो, क्योंकि कल्चर एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप मान लो कोई डांस फॉर्म है, अगर आप उसको वीडियो देखते हो छोटा सा, तो आपको अच्छे समझ में आता है। कोई आर्किटेक्चर है, उसकी बिल्डिंग देखते हो, तब आपको अच्छे समझ में आता है। तो कल्चर के लिए मेरी एडवाइस ये है कि अगर आप इस तरह से विजुअल देख पाए उन चीज़ों को और उनकी एक इमेज अपने दिमाग में बिठा सके, और एक आप इंडिया की हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री थोड़ी मोटी मोटी पढ़ लें, तो आपके दिमाग में वो एक स्टोरी सी बन जाती है, तो उससे आपको कल्चर पढ़ने में, उसको समझने में काफ़ी सहूलियत होती है। तो ये अप्रोच आप अपना सकते हैं, मेरे लिए वो कामयाब रही, आई होप कि आपके लिए भी कामयाब रहेगी। व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री? वर्ल्ड हिस्ट्री आई रेफर्ड मेनली टू वन बुक, दे आर देवर NCERT बुक्स, ओल्ड एंड न्यू एज वेल,
I read both new and old NCRTs, and the topics which were not covered at length in those books, I googled them, I searched on the internet, and I just made their own notes. So that's how I prepared. What strategy should one adopt for GS paper 2? Approach for GS2 and GS1 and GS3, it is almost similar. You have to take all the topics. You don't have to leave any topic. कोई भी उसमें छोड़ना नहीं है, चाहे वो मुश्किल हो. मुश्किल कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से इस एग्जामिनेशन में. इट इज ओनली अबाउट कि क्या आपसे फेमिलियर है, क्या आपसे अनफेमिलियर है. तो आप जो अनफेमिलियर हैं उनसे संकुचित ना हो, उनसे थोड़ा सा भागे नहीं दूर. तो यू जस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर देम. और आपको एग्जामिनेशन क्लियर करने की डिटर्मिनेशन है तो डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट उसमें बनेगा एक ना एक दिन. तो आप बस इंटरेस्ट बनाएं अपना, और इंटरेस्ट के साथ साथ आप उसको लग जाएं, जुड़ जाएं उसमें. इंडियन पॉलिटी के लिए जो टाटा मैग्रा हिल की बुक है इंडियन पॉलिटी के ऊपर, आई थिंक वो वन ऑफ द बेस्ट है मेरे लिए. मेरे को वो सही लगी. और उसके लिए अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, डिबेट्स देखते हैं राज्यसभा पे, या फिर कुछ भी सोर्स आप लेते हैं जहां पे गवर्नेंस के बारे में इश्यू डिस्कस होते हैं, मैं नहीं बोलता कि ये सोर्स ज्यादा अच्छा है, ये सोर्स ज्यादा बुरा है. द पॉइंट इज कि आप उसके ऊपर टाइम स्पेंड करें, आप उस चीज के बारे में खुद से भी सोचें. एक नागरिक होने के नाते आप वो चीजें कैसे होनी चाहिए, एक आम इंसान होने के नजरिए से वो एक तार्किक रूप से कैसे वो चीजें सही रहेंगी. सो दैट अप्रोच हेल्प. ट्राई टू बी ए बिट एनालिटिकल, मेक योर ओन क्रिटिसिज्म, ट्राई टू गिव योर ओपिनियंस. सो दैट थिंग हेल्प इन गवर्नेंस इश्यूज. इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जो आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई मैगजीन पढ़ते हैं, उसी के साथ साथ ही तैयार हो जाता है. मेरे को नहीं लगता कि उसके लिए आपको कोई विशेष मटेरियल पढ़ने की आवश्यकता है. मे बी आप उसके जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह है, उसके लिए आप कोई भी एक जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप के ऊपर, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कोई भी किताब है अच्छी सी, वो आप पढ़ लें कोई भी एक किताब, वो तो सफिशिएंट रहेगा आपके लिए. लेकिन आप अपने लेवल पे है ना, कोई भी न्यूज़ अगर आप पढ़ते हैं, आपको उसके बारे में समझ में नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा सा उसकी जो बैकग्राउंड है वो आप सर्च कर लें गूगल पे, ताकि आपको एग्जैक्टली कोर इशू क्या है, उस चीज़ की हिस्ट्री क्या है, उस चीज़ का सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के रिलेशनशिप के ऊपर, तो ये चीज़ें आपको पता लग जाएंगे. और अगर आपको एक बैकग्राउंड पता से लग जाए तो आपके एक दिमाग में एक कहानी सी बन जाती है उस चीज़ की, और उसके बाद ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता आप उस चीज़ को, उसके इशू को समझने के लिए या फिर उससे रिलेटेड फैक्ट्स याद करने के लिए. हाउ डिड यू प्रिपेयर द सोशल जस्टिस टॉपिक्स? सोशल जस्टिस टॉपिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी अवेयर अबाउट व्हाट आर द एरिया ऑफ कंसर्न्स व्हिच आर अफेक्टिंग अवर सोसाइटी. फॉर एग्जांपल, से वुमेन एम्पावरमेंट, सो यू हैव टू एक्सप्लोर ऑल इट्स डायमेंशंस, कि रूरल एरियाज में कौन से इश्यूज हैं, अर्बन एरियाज में कौन से इश्यूज हैं, और देश के विभिन्न भागों में वुमेन को कौन से इश्यूज अफेक्ट कर रहे हैं. तो आपको उनके प्रति थोड़ा सा सेंसिटिव होना पड़ेगा. सोशल इश्यूज के बारे में आपको थोड़ा सा उनका मर्म समझना होगा कि हाँ, उनको कौन सी तकलीफें हो रही हैं. तो आपको अपने सोच के देखो कि आप अगर उस कंडीशन में खुद होते तो आपकी प्रॉब्लम क्या हो सकती थी, तो उसके सॉल्यूशन भी क्या होने चाहिए. जैसे कि मैं हरियाणा से आता हूँ, वहाँ पे सेक्स रेशियो कम है, तो मैं ये देख सकता हूँ आसपास में कि हाँ, कैसे हो रहा है, ये कौन से फैक्टर हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसमें. इसी तरह से किसी और एरिया के बारे में आप खुद सोच के देखो कि वहाँ पे ऐसा है तो क्यों हो रहा है. तो आप उस चीज़ को महसूस करो. अगर आप उस चीज़ को महसूस करोगे तो ही आपके दिमाग में उसके सॉल्यूशन निकल के आएंगे, और तभी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स जो आ रही हैं, आप उनका सही प्रायोजन समझ पाएंगे. What strategy should one adopt for General Studies Paper 3? Actually, Paper 3 में economics इतने नहीं आती है, rather economy आती है, मतलब अर्थव्यवस्था आती है, अर्थशास्त्र नहीं आता. तो ये एक misconception है लोगों का कि मेरे economics में मेरे को अच्छी नहीं लगती थी, economics में मेरा हाथ सही नहीं है, इसलिए मैं इस paper में अच्छा नहीं कर पाऊंगा. तो इस paper में theory नहीं आती, first of all. Secondly, इसमें ज्यादा बड़े fact नहीं पूछे जाते. इसमें जो लॉजिकल बातें होती हैं अर्थव्यवस्था में, जो हम आमतौर पर देखते हैं, समझते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, वही चीज़ें आती हैं इसमें. तो आप थ्योरेटिकल एरियाज में ज़्यादा घुसने के बजाय, ज़्यादा फैक्ट याद रखने के बजाय, आप चीज़ों को समझो कि फिस्कल डेफिसिट या फिर वित्तीय घाटा जो है वो है क्या चीज़, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, ये एक्चुअल में है क्या. तो आप इन चीज़ों को समझो पहले, और उसको एक है ना सिंपल करके चीज समझो उसको, ना कि जो एक डेफिनेशनल उसके जो एस्पेक्ट होते हैं, आप कहीं पर उसकी डेफिनेशन पढ़ते हो. तो अगर आपको वो डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही, तो आप उसको रटो नहीं, उस चीज़ को समझो पहले. तो ये अप्रोच काफ़ी हेल्प करेगी आपको कि चीज़ों को समझो. इकोनॉमी का सिलेबस ज़्यादा नहीं होता, वही घूम फिर के 20-30-15-20 बातें होती हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए. तो आप उन चीज़ों को पहले अच्छे से समझो, ताकि आपका एक अच्छे से बेस बन पाए. तो मेरी सजेशन ये है कि अपना अच्छा बेस बनाओ. इकोनॉमी इज़ वेरी साइंटिफिक, एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है इकोनॉमिक्स भी. तो आपको ज़्यादा रटने की आवश्यकता इसमें कभी भी नहीं पड़ेगी.
What was your strategy for internal security and disaster management topics? ये दोनों टॉपिक्स पे पहले शायद इतना ध्यान नहीं होता था जितना कि अब होने लग गया है given their significance because the loss that any disaster that imparts to any society is recognized that it is very high and so मेरे ख्याल से इन दोनों टॉपिक्स के बारे में आपको एक नागरिक की तरह सोचना होगा आम नागरिक की तरह कि अगर डिजास्टर आ जाए तो क्या करना चाहिए हमें उसको डील करने के लिए एक एडिक्वेट स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए कौन कौन से फ्रेमवर्क हैं जो गवर्नमेंट लेके आई है इंटरनेशनल लेवल पे क्या मैकेनिज्म्स हैं तो एक बिल्कुल आपको ग्राउंड लेवल से गांव के लेवल से लेके आपके सोसाइटी के लेवल से लेके आपको एक ऊपर पॉलिसी मेकिंग लेवल तक आपको एक सोच लेके आनी होगी कि हाँ कैसा होना चाहिए और गवर्नमेंट जो कर रही है वो एडिक्वेट है या नहीं उसमें डेफिशिएंसीज क्या क्या हैं तो इस तरह से अगर आप सोचें तो आपके आंसर खुद ब खुद निकल आएंगे How did you prepare the biodiversity topics? बायोडाइवर्सिटी का जो अभी एक नया सा यूपीएससी में रिसेंटली क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए हैं तो चूंकि इसकी हिस्ट्री बहुत ज्यादा लंबी नहीं है ओनली आफ्टर 1970s के अराउंड ही सारी दुनिया जागी है पर्यावरण के इश्यूज पर बायोडाइवर्सिटी के इश्यूज पर तो आपको ज्यादा इसके बारे में कंसर्न होने की आवश्यकता है भी नहीं क्योंकि 1970 के बाद में हार्डली 15 ऐसे इवेंट हुई हैं जो कि लैंडमार्क हैं तो पहले उन इवेंट्स के बारे में आप पता करो कि वो इवेंट कौन कौन सी हैं उनका महत्व क्या था सिग्निफिकेंस क्या था उन इवेंट्स के कारण से इम्पैक्ट क्या हुए उनके बारे में एज ए वर्ल्ड व्हाट सॉल्यूशन डिड वी कम अप और उन सॉल्यूशन का जो हम लेके आए उनका इम्पैक्ट कितना रहा तो आप इन एरियाज में आप देखो कोई भी एक छोटी सी समिट आती है आप उसके पीछे पागल ना हो आप ये देखो कि कोर इश्यूज क्या हैं और उनके मेजर इम्पैक्ट क्या रहेंगे आज के दिन एक ग्लोबल सोसाइटी में क्या कंसेंसस बन रही है उस चीज के प्रति आप ये देखो इंडिया के एफर्ट्स क्या हैं इंडिया की पोजीशन क्या है हम क्या कर सकते हैं उस चीज में हमने क्या किया है आज तक हमने क्या सपोर्ट किया है किस चीज की हमने अपोजिशन किया है तो आप इस डायरेक्शन में सोचो ना कि उस समिट के मेन मेन मुद्दे क्या थे ये तो आपको पता होने ही होने चाहिए लेकिन उन चीज का इम्पैक्ट क्या रहेगा और इंडिया का उसमें कंट्रीब्यूशन क्या है आप इस चीज डायरेक्शन में ज्यादा सोचा करो What strategy should one adopt for GS paper 4? Ethics के पेपर के ऊपर मैंने ज्यादा बहुत कुछ पढ़ा नहीं उसका मेरे अपने खुद के कारण थे बिकॉज दिस इज अ पेपर ऑफ योर एथिक्स दिस इज नॉट अ पेपर ऑफ योर नॉलेज फर्स्ट ऑफ ऑल सो इट मीन्स कि वट यू रीड फॉर दिस वॉन्ट हेल्प मच फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंडली क्योंकि ये आपके एथिक्स का पेपर है तो जो जितनी भी फिलोसॉफिकल थ्योरीज हैं पॉलिटिकल थ्योरीज हैं आप उनमें उतना ना घुसे ये आपके आपका एथिकल व्यू पॉइंट या आपके मॉरल एप्टीट्यूड जानने के लिए है ना कि फिलोसोफर ने क्या कहा किसी ने क्या बात कही है वो देखने के लिए नहीं है तो इस पेपर के लिए आपका अप्रोच एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होना चाहिए कि ये एक एथिकल प्रॉब्लम है तो एक आम इंसान के नाते मैं इस चीज को कैसे सोल्व कर सकता हूँ ये नहीं कि अरस्तु ने क्या कहा था एरिस्टोटल ने क्या कहा था उस चीज को मैं कैसे सोल्व कैसे करते हैं उस चीज को नहीं देखना आपको आप इस चीज को कैसे सोल्व करोगे तो एक एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इसमें ज्यादा हेल्प करेगी ना कि अगर आप कोई थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क यूज करते हैं तो व्हाट एस्पेक्ट शुड वन हाईलाइट व्हाइल राइटिंग द आंसर्स इन द आईएएस मेंस एग्जाम सिंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैज नाउ इंक्रीज्ड आईएएस का मेंस एग्जामिनेशन हो या चाहे और कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन हो जहां पे आपको आंसर लिखने पड़ते हैं जहां पे एक डिस्क्रिप्टिव टाइप आपको आंसर लिखने पड़ते हैं उसके लिए मैं हमेशा एक ही बात अपने दिमाग में रखता हूं कि अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं कैसा आंसर चाहता क्या हम जो आंसर लिखने जा रहे हैं क्या वो सभी के आंसर के जैसा है इसलिए हमें अपने आंसर को थोड़ा डिफरेंशिएट करना होगा चाहे हम उसको अपनी लैंग्वेज के माध्यम से करें चाहे उसमें अपनी थोड़ी सी क्रिएटिविटी लेके आए चाहे हम उसमें कुछ थोड़े से फैक्ट डालें चाहे हम उन पॉइंट्स को ऐसे कुछ एलेबोरेट करें तो ये जो सारी चीजें जो आप करेंगे आप उस आंसर को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएं ताकि एग्जामिनर को आपका आंसर पसंद आए अगर उसको आपको आंसर पसंद आ गया और आपकी स्टाइल पसंद आ गई तो आपको डेफिनेटली आपको मार्क्स देगा तो मैं हमेशा ये कोशिश करता था कि उसमें कुछ ना कुछ नया डालूं कुछ ना कुछ ऐसी चीज डालूं जो बाकी उसे डिफरेंशिएट करे तो सिंस मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी थी तो मैं उसमें डायग्राम डालने की कोशिश करता था और जो लैंग्वेज उसकी लिखने की है उसमें फालतू की बातें जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि आप इंट्रोडक्शन पे फोकस करो कंक्लूजन डालो आप टू द पॉइंट लिखो बिकॉज एग्जामिनर आपसे सिर्फ मुद्दे की बात पे आना चाहता है वो आपकी कहानियां नहीं सुनना चाहता सो बी टू द पॉइंट एंड
ट्राई टू बी अ लिटिल क्रिएटिव इन योर आंसर्स. हाउ डज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हेल्प इन आईएएस मेंस एग्जाम? डेफिनेटली इट हेल्प्स, स्पेशली इन द केस when you are not mentally very prepared for this examination. At least for some question or some papers, you should try to write your answers, because it is important for two reasons. First, you should see what is your writing style. Secondly, whether you are able to complete the paper in time. So, when you are writing your examination, it helps in these two aspects. पहले तो आपको पता लगता है कि आप given time में आप paper पूरा कर भी पाओगे या नहीं. क्योंकि आजकल लेंथी पेपर आते हैं तो काफी का पेपर छूट जाता है. तो आंसर राइटिंग अगर आप घर पे बैठ के करते हैं तो आपको वो इस चीज का पता लग जाता है. और सेकेंडली आपकी जो राइटिंग स्टाइल कैसी है, आपके कैसे आंसर निकल के आते हैं, वो देखने में इंटरेस्टिंग है या नहीं है, उनमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आते हैं, आप क्या क्या भूलते हो लिखते टाइम पे, ये बातें जो छोटी छोटी कमियां हैं वो पूरी हो जाती हैं. तो उस पर बहुत ज्यादा फोकस तो नहीं, लेकिन एक बेसिक मिनिमम फोकस आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में जरूर करना चाहिए. How did you maintain balance between the various papers of general studies? Balance का ऐसा है कि किसी भी एक एरिया में ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए. और मेरे ख्याल से किसी को ये नहीं करना चाहिए कि मैं पेपर वन अच्छा कर लूंगा, पेपर टू में मेरा थोड़ा तंग हाथ है इसलिए इसको मैं इग्नोर कर दूंगा. मेरे हिसाब से एक बैलेंस अप्रोच होना चाहिए, बिकॉज आपको मार्क्स पेपर वन में भी लेने हैं, टू में भी लेने हैं, थ्री में भी लेने हैं, फोर में भी लेने हैं. और खासतौर पर अगर आपको टॉप रैंक में, अगर आप अपने आपको टॉप से डबल डिजिट में, आप अपने सिंगल डिजिट में देखना अपने आपको, तो आपका हर एरिया में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए. तो इसको आपको एक इवन पेपर तो छोड़िए, आपको एक सिंगल टॉपिक भी इग्नोर नहीं करना है. तो आपको हर चीज कवर करके चलनी है, हर चीज बैलेंस करके चलनी है.